खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे यूएन की एक बैठक को, जहां प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन शाम तकरीबन 6:30 बजे शुरू होगा। तो इस वक्त की ये अहम खबर, संयुक्त राष्ट्र को पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित आज पीएम की ओर से किया जाएगा और शाम तकरीबन 6:30 बजे ये आम सभा होगी। और इस बीच ये भी बता दें कि इमरान खान को आज करारा जवाब भी मिलेगा। क्यों ये करारा जवाब मिलेगा? दरअसल कल बारी थी पाकिस्तान की यूएन के संबोधन में शामिल होने की, और उस दौरान जो हमेशा पाकिस्तान की कोशिश और हरकतें रही हैं, ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया और इसका जवाब आज दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे। यूएन को बने हुए 75 वर्ष आज हो गए हैं और इस पर सभी देशों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना अपना मत रखने का ये मौका मिला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे यूएन के इस महासभा को संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यूएन है क्या और क्यों इसका आखिर क्यों इसे फॉर्म किया गया था। तो पहले विश्व युद्ध के बाद सभी जितने भी यूरोपियन देश थे, उन्हें ये कमी महसूस हुई कि आखिर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि सभी देशों के बीच ऐसा तालमेल बनाए जिससे कि दोबारा से विश्व युद्ध की जो संकट या फिर जो समस्या है वो उत्पन्न ना हो, इस वजह से यूएन का गठन किया गया था। लेकिन उसके बाद जैसा हम जानते हैं कि 1949 में दोबारा से विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, लेकिन उसके बाद यूएन पर कई जिम्मेदारियां आ गई। यूएन जहां स्वास्थ्य से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे गरीब देश हो अमीर देश हो, इन सब के बीच तालमेल बैठाकर विश्व के अंदर शांति और विश्व के आगे रणनीतियों को लेकर चर्चा का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। फिलहाल यूएन के अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं और भारत इन स्थायी सदस्यों की सूची में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना है जो कि लगातार इस पर वीटो लगाता रहा है, जबकि बाकी रशिया अमेरिका ये सारे देश ऐसे हैं जो कि चाहता है कि भारत भी एक स्थायी सदस्य के रूप में यूएन में शामिल हो जाए। अब ये 75वीं वर्षगांठ यूएन की है, ऐसे में यूएन ने क्या पाया है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं और साथ ही विश्व के सामने कौन सी समस्याएं कौन सी चुनौतियां हैं, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा हो रही है। कई दिनों का ये सेशन चल रहा है जिसमें अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये मौका दिया गया है कि वे अपनी बात यूएन के इस बड़े मंच पर रखें। कल पाकिस्तान ने अपनी बात रखी थी, जैसा मैंने पहले बताया कि इमरान खान ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा इस दौरान उठाया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है उसमें माना जा रहा है कि कई बड़ी समस्याओं पर पीएम मोदी इस दौरान बयान देंगे, जवाब देंगे, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा पाकिस्तान को वो करारा जवाब जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है। तो आज पीएम मोदी का ये संबोधन यूएन में कई मायनों में खास रहेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां सभी देश हैं जो कि इस वक्त इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। 25 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संबोधन हुआ। इमरान खान के संबोधन के बाद आज पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने जा रहे हैं, और इस बीच आपको बता दें कि जहां 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी 75वें सत्र की आम सभा में संबोधित करेंगे, और इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जब कल संबोधन हुआ था तो कश्मीर का मुद्दा उन्होंने उठाया था और पीएम मोदी पर कई निजी हमले भी किए थे। इमरान ने बयान दिया था जिस पर भारत राइट टू रिप्लाई का उपयोग कर अब जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि भी की, और त्रिमूर्ति ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान को आतंकवाद अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर भी घेरा। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसे आतंकवाद की नर्सरी और एपिसेंटर बताया।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ हर अवसर का इस्तेमाल ऐसे अनर्गल आरोप लगाने के लिए करता है जिससे उसकी नकारात्मकता झलकती है। सेंथिल ने पाकिस्तान को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये सोचने की नसीहत दी कि आतंक मानव अधिकारों के उल्लंघन का ही विकृत रूप है और ये मानवता के खिलाफ है। दुनिया को उस देश के से मानव अधिकारों का पाठ नहीं पढ़ना है जिसे आतंक की नर्सरी और एपी सेंटर के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार मानव अधिकारों का उल्लंघन होने की घटनाएं सामने आती रही हैं और इन तमाम चीजों पर आज पीएम मोदी भी इशारों ही इशारों में एक बड़ा हमला पाकिस्तान पर इमरान खान पर बोल सकते हैं। तो इंतजार रहेगा 6:30 बजे का, जब पीएम मोदी का यूएन में ये संबोधन रहेगा और जब जब प्रधानमंत्री मोदी का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संबोधन रहता है, जब मौका मिलता है पूरे विश्व को संबोधित करने का, तब पीएम इस अवसर का, इस मौके का बेहतरीन फायदा उठाते हैं और आज भी लगभग ऐसा ही देखने को मिल सकता है।